वेलकम टू स्टडी स्केल। और आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं एग्ज़ाम को लेकर के जो जो चीज़ें हमारे लिए यहाँ पर ज़रूरी हैं, जैसे कि हमारा फ्रंट पेज छोटे लिफाफ पर चिपकाने हैं, तो जो नया आया है प्रारूप वो आपकी आंसर शीट किस तरीके की रहने वाली है, कैसे पेपर यूज़ करने हैं, कैसे लिफाफ यूज़ करने हैं, उसके बारे में तो ये देखना बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टूडेंट के लिए कि कैसे कैसे करना है चीज़ों को। तो आप देखते रहें। सबसे पहले यहाँ पर जो नई वाली मुख्य उत्तर पुस्तिका आई है, तो ये मेरे पास जो हालांकि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पुरानी उत्तर पुस्तिका है, पर जो नई उत्तर पुस्तिका है क्योंकि उसमें डिटेल्स भरी हुई होती हैं इसलिए मैं उसको यहाँ पर दिखा नहीं सकती हूँ। तो उसमें जो है ये बाकी की चीज़ें यहाँ पर, जैसे महाविद्यालय कोर्ड परीक्षा का नाम, ये सब प्रिंट किया हुआ है पहले से, आपको कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है वहाँ। हाँ, बस ये वाली चीज़ें खाली रखी हुई हैं यहाँ पर, और ये वाला कॉलम वहाँ पर खाली छोड़ा गया है क्योंकि आपको खुद से भरना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो नई मुख्य उत्तर पुस्तिका का जो फ्रंट पेज आया है वो पहले से भरा हुआ है, प्रिंट है पहले से, बस आपको पेज नंबर डालना है, परीक्षा का दिन दिनांक वाला जो है वो खाली है और नीचे वाला घोषणा पत्र खाली है। तो ये नया आया है, आप जा कर के यूनिवर्सिटी के पेज पर तुरंत इसको डाउनलोड कर लीजिए, स्टूडेंट लॉगिन पर मिलेगी ये चीज़ें, तो आप वहाँ से जा कर के इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और नए वाले जैसे कि जो भी प्रारूप आया है, परीक्षा सामग्री आई है, उसमें जो है ना, उसमें यहाँ पर सिर्फ छोटे लिफाफ पर चिपकाने हेतु जो प्रारूप था वही दिया गया है, बड़े लिफाफ पर चिपकाने हेतु कुछ नहीं आया है। हो सकता है कि यूनिवर्सिटी बाद में इसके बारे में कुछ बता दे, या पुराना जो था उसी में से जो बड़े लिफाफ पर चिपकाने हेतु आया था वही लगाने को हमको कहे, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो नया वाला आया है उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल्स जो है फिल की हुई हैं, बस ये छोड़ा हुआ है कि प्रति प्राचार्य अपने कॉलेज का एड्रेस, क्योंकि सबका अलग अलग है इसलिए ये छोड़ दिया गया है, और यहाँ पर पिन कोड छोड़ा गया, बाकी ये सारी डिटेल्स भरी हुई हैं, दिनांक आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये नया वाला जो आया है उसमें सारी डिटेल्स भरी हुई हैं, बस एड्रेस और पिन कोड जो है ये छोड़ा हुआ है आपका। फिर उसके बाद बात करते हैं आपकी आंसर शीट के बारे में। तो जैसे कि यूनिवर्सिटी ने हम लोगों को यहाँ पर कहा है कि A4 साइज़ पेपर जो है वो हमें यहाँ पर यूज़ करना है अपनी पेपर लिखने के लिए, आंसर शीट बनाने के लिए। तो ये रहे कुछ A4 साइज़ पेपर्स, ठीक है, इसी में आपको अपनी आंसर लिखने हैं, आंसर सारे लिखने हैं, आंसर अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर खुद से ही आंसर लिख रहे हैं, खुद की ही कॉपी यूज़ कर रहे हैं, तो बिल्कुल कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लिख दें, नहीं, क्योंकि टाइम यहाँ पर भी है 3 घंटे, तो इसलिए आप अपने आप से कितनी ईमानदारी दिखाते हैं इस पेपर में मेनली ये देखा जाएगा। तो आप सभी अच्छे से आंसर लिखें, क्योंकि पढ़ाई के लिए इतना ज़्यादा लंबा टाइम दिया गया है, तो किसी को भी कहीं से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी सब इतना टाइम में बहुत इफरात टाइम मिला है, सबको याद ही हो गई होगी अभी तक की तो बुक, एक एक पेज, ठीक है। तो ये आपका आंसर शीट के तौर पर आप यूज़ करेंगे A4 साइज पेपर, इसको हम लोग साइड कर देते हैं। फिर ये रहा आपका जो आंसर शीट रहेगा उसको डालने के लिए A4 साइज का जो लिफाफ बोला गया था वो, तो यहाँ पर देखिए ये एक A4 साइज पेपर है और ये छोटा लिफाफ है, ठीक है, तो इसमें हम लोग अपने आंसर शीट को डालेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि बहुत फ्री साइज़ है ये, आराम से इसमें आंसर शीट आ जाएगी, बिल्कुल भी मुड़ेगी नहीं, और एकदम इजीली आपको इसको एंटर कर देना है। देखिए काफ़ी स्पेस मिलेगा हम लोग को इसके अंदर बाद भी, तो ये अच्छा रहेगा आपके आंसर शीट को यहाँ पर डालने के लिए। तो इस तरीके से इसको डाल करके और वो जो छोटे लिफाफ पर चिपकाने वाला पेपर था उसको इस पर इस तरीके से चिपका करके आपको यहाँ पर डिटेल्स फिल करने, अपने कॉलेज का एड्रेस और पिन कोड इसको तैयार कीजिए, ठीक है। फिर अब बात करते हैं कि सभी जितने भी इस तरीके के आंसर शीट आप बनाएंगे, जैसे पॉलिटिकल साइंस 1, पॉलिटिकल साइंस 2, फिज़िक्स 1, फिज़िक्स 2, जितने भी पेपर होते हैं उसके हिसाब से आपको अपनी सभी आंसर शीट्स को अलग अलग छोटे लिफाफों में डालना है, ठीक है। और फिर इन सभी छोटे लिफाफों को एक बड़े लिफाफे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे छोटे वाले लिफाफ से भी बड़ा लिफाफ है, ये रहा छोटा वाला लिफाफ, तो देखिए यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मार्जिन मिलता है हम लोग को। इससे हम लोगों को फ़ायदा ये है कि हम लोग की कॉपी कहीं पर भी मुड़ती नहीं है, ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है कि हम लोगों को यहाँ पर अच्छा स्पेस मिल रहा है। तो इस तरीके से आप जो अपना छोटा लिफाफ है उसको ऐसे बड़े लिफाफ में डालेंगे, सभी आंसर शीट को, जितनी भी आपके पेपर बोने बचे हैं सबको डाल करके इस बड़े लिफाफ में
हालांकि इस पर अभी क्या लिखना है या क्या चिपकाना है उसके लिए नहीं आया है निर्देश, पर बहुत जल्द जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप पुराना में भी जो है तो इसके ऊपर भी आपको नॉर्मल चीज़ें ही लिखनी है अपने बारे में। ठीक है, आपके कौन कौन से पेपर्स इसके अंदर आए हैं, आपके कॉलेज का एड्रेस और आपका पूरा डिटेल्स, तो ये रहना होगा। हालांकि इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको यूनिवर्सिटी द्वारा बता दिया जाएगा बहुत जल्द। ठीक है, तो ये जो बड़ा लिफाफा है इसको ही आपको यहाँ पर से सारे पेपर डाल करके इसके अंदर इसको पोस्ट करना होगा, स्पीड पोस्ट करना होगा। और हो सकता है कि बहुत जल्द व्यवस्था हो जाए कि इसको खुद से कॉलेज में जा करके जमा करना हो। ठीक है, हालांकि अभी इसके लिए नहीं बोला गया है, अभी तो स्पीड पोस्ट की राय है यहाँ पर, तो और ये ज़रूरी भी है स्पीड पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इसको करना होगा। आज हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों को व्यवहारिक रूप से आंसर शीट या उसके ऊपर के फ्रंट पेज या फिर लिफाफ का यूज़ करना है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें स्टडी स्केल के साथ। धन्यवाद।